मोरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग फॉर डिफरेंट ज्योमेट्री। देखिए जो विभिन्न प्रकार के जो ज्योमेट्री वाले यौगिक हैं उनके अंदर क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग किस तरह से आपके विभाजित होती है अपन उसकी यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ बातें हैं अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अपन बात करें तो अपने को पता है कि जनरली जो संक्रमण तत्व हैं और इन संक्रमण तत्वों के द्वारा संकुल यौगिकों का जो निर्माण है वो सबसे ज़्यादा बनाया जाता है। और जो धातु आयन है वो क्या करता है लिगेंड के लिए अपने जो ऑर्बिटल्स हैं वो उसको क्या करता है कि जो उनको स्प्लिटिंग के लिए क्या करता है दान करता है, या यूँ कह दें कि स्प्लिटिंग के लिए प्रेजेंट करता है। जहाँ पर अपन बात करें स्प्लिटिंग के लिए तो जो डोनर एटम होता है या लिगेंड कह दें वो अपना इलेक्ट्रॉन आकर क्या करता है कि इनके अंदर डोनेट करता है। तो इसके फलस्वरूप जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है आपके ट्रांजिशन एलिमेंट के द्वारा। जहाँ अपन बात करें कि ये जो कार्य है ये सब के लिए क्या बताया गया है कि जो फंक्शन हो रहा है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इसमें देखने को मिलता है। और ये अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग होगा। एक ही कॉम्प्लेक्स है उसमें सेंट्रल मेटल एक होने के बाद भी उसमें अलग अलग तरह की आपको ज्योमेट्री है वो देखने को मिलती है। अलग अलग तरीके से उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या कोई अन्य प्रॉपर्टी है वो देखने को अलग अलग मिलती है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं, कुछ स्टेप्स बताए गए हैं जिनके आधार पर अपन क्या करेंगे जो क्रिस्टल फील्ड है उसमें जो अनेक प्रकार की जो ज्योमेट्री है वो किस तरह से बनाई जा रही है, ज्यामितियाँ प्रदर्शित की जा रही हैं उसमें कुछ स्टेप बताए गए हैं। उन स्टेप को अपन यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे और उसके बारे में डिटेल से इससे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात की गई है ओरिजिन पॉइंट ऑफ मेटल आयन, यानी जहाँ पर अपन ये कहते हैं कि जो मेटल आयन का उत्पत्ति बिंदु है वहाँ से रिलेटेड क्या की गई है कि यहाँ पर ये अपने कक्षकों को उपलब्ध कराते हैं इलेक्ट्रॉन है, वो इनमें ट्रांजिस्ट होकर आकर इनमें व्यवस्थित होता है या कोई डोनर है इनको इलेक्ट्रॉन दे देता है उससे रिलेटेड यहाँ पर दिया गया। सेकेंड बात करें डिवेलपमेंट ऑफ ज्योमेट्री बाय लिगेंड, यानी लिगेंड के द्वारा जो आपकी ज्यामिति बनाई जा रही है उसके बारे में इसमें दिया जाता है कि भी अलग अलग लिगेंड हैं व्यवस्थित होंगे और अलग अलग टाइप के ज्योमेट्री फॉर्मेशन है वो इनके द्वारा किए जाएंगे। यहाँ पर देखिए स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, यहाँ पर देखिए आपको जो है डी ऑर्बिटल्स है उसमें स्प्लिटिंग होगी, उसमें निम्न ऊर्जा कक्ष उच्च ऊर्जा कक्ष अलग से व्यवस्थित होंगे और उसमें फिर इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था है वो उसमें की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल डिपेंडेंट ऑन ज्योमेट्री, यहाँ पर जो आपकी डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो स्प्लिटिंग हो रही है वो क्या है ज्योमेट्री पर उसकी निर्भरता किस तरह से है उसके बारे में दिया गया है और उसके बारे में अलग अलग पॉइंट से अपन बात करेंगे। सबसे पहले बताए अपने बात है ओरिजिन पॉइंट ऑफ मेटल आयन। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी भी मेटल आयन के लिए जो ओरिजिन पॉइंट होता है ये आपके क्या होता है इसमें जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो क्या होता है आपके फिक्स होता है कि यहाँ पर किसी न किसी एक ऐसे पॉइंट से इनका क्या होता है इनकी उत्पत्ति हो जाती है, इनका जो है स्टार्टअप है वो देखने को मिलता है। और क्या बताया गया है कि ये जो स्थिति पैदा होती है ये जनरली थ्री डायमेंशन रूप से व्यवस्थित होती है। थ्री डायमेंशन रूप से व्यवस्थित होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये क्या है कि आपका त्रिविमीय रूप से क्या होगा व्यवस्थित होगा, मतलब इसका ओरिजिन एक्स एक्स की दिशा में हो सकता है, वाई एक्सिस की दिशा में हो सकता है या किसी अन्य दिशा के अंदर आपको ये ओरिजिन पॉइंट है व्यवस्थित हुआ मिलेगा।
जिसके कारण क्या बताया गया है कि आपके जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ये जो डी ऑर्बिटल हैं ये क्या होंगे, किसी फिक्स डायरेक्शन की ओर आपके निर्देशित होंगे या इनको किसी एक दिशा की ओर क्या मिलेगा आपका, इनमें जो कमांड है वो देखने को मिलता है कि एक कॉम्प्लेक्स के अंदर जो ऑर्बिटल है वो किसी निश्चित दिशा की ओर है कि या तो वो एक्सिस की दिशा में है, वाई एक्सिस की दिशा में है या जेड एक्सिस के दिशा में है, और उसके आधार पर इन ऑर्बिटल्स की जो डायरेक्शन है वो तय की जाती है, जिसके लिए जो ओरिजिन पॉइंट है वो जनरली क्या होता है आपके फिक्स होता है, थ्री डायमेंशन रूप से होता है, जिसमें डी ऑर्बिटल जो डायरेक्शन है उसको एक किसी विशेष दिशा की ओर निर्देशित करता है। सेकंड बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का विकास किसके द्वारा, लिगेंड के द्वारा, क्योंकि लिगेंड है वो इसमें ज्योमेट्री किसके लिए व्यवस्थित करता है। अपने को पता है कि कोई भी ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो लिगेंड है वो क्या होता है आपके डोनर एटम होता है, और वो डोनर एटम आपके नेचर में किस तरह से है उसके हिसाब से जो ज्योमेट्री है उसका यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। जैसे मैं कहूँ कि आपके कोई कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, अपन बात करें कि जैसे मैं कहूँ कि भाई एक कॉम्प्लेक्स आपका ये वाला है, और एक कॉम्प्लेक्स में कहूं कि भाई आपका ये है, तो देखिए दोनों के अंदर ही अपन बात करें दोनों में क्या चेंज है आपका, लिगेंड चेंज है। और लिगेंड की नेचर की बात की थी तो अपने को पता ही है आपका स्ट्रॉन्ग नेचर वाला और ये आपका वीक नेचर वाला लिगेंड है, तो क्या है कि यहाँ पर युग्मन हो जाएगा, यहाँ पर युग्मन नहीं होगा, मतलब यहाँ पर पेयरिंग होगी, यहाँ पर पेयरिंग देखने को नहीं मिलती। तो ये तो क्या करेगा आपके प्रतिचुंबकीय की तरह व्यवहार करेगा, आपके पैरामैग्नेटिक, और ये वाला ये आपके अनुचुंबकीय के रूप में व्यवहार करता है। तो मतलब क्या बताएं कि जो लिगेंड है उसके द्वारा ज्योमेट्री है वो भी क्या है, इसके द्वारा डेवलप की जाती है। अब यहाँ पर ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ पर DSP2 जो संकरण है होता है, उसकी वजह से आपकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो जाती है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है इसमें फॉर्म हो जाती है। और यहाँ पर बात करें यहाँ पर SP3 आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इसकी जो टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर है उसका यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो अपने को क्या पता चल गया कि जनरली जो लिगेंड है वो भी क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को प्रभावित करते हैं, उसके द्वारा ज्योमेट्री को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अगली देरी की जो चीज़ है वो आपके हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, कि यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स के अंदर स्प्लिटिंग किस तरह से होती है उसके बारे में दिया गया है, कि जो डी ऑर्बिटल हैं जनरली अपने को पता है कि संख्या में आपके इसमें 5 ऑर्बिटल्स इसके अंदर क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, और 5 ऑर्बिटल इस प्रकार स्प्लिट होते हैं कि इसमें दो तरह की इसमें संरचनाएं हैं वो बन जाती हैं, जिसमें अपन बात करें कि भाई ये हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, ठीक है, और स्प्लिट होकर ये आपके इस तरह से व्यवस्थित हो जाता है, ये आपका T2G, ये आपका EG वाला इसमें फॉर्म हो जाता है। जनरली ये आपका हायर एनर्जी वाला, ये आपका लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल है, और इसमें स्प्लिट होने से ही क्या है,
कि इसमें जो लिगेंड है, लिगेंड क्या करता है कि इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स के अंदर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो क्या बताया गया है कि जनरली जो इस लिगेंड है उसको नेगेटिव जो चार्ज स्पीशीज है कि नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है इसको क्या कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। मतलब इनका जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो जनरली कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और इस तरह से जो लिगेंड है वो क्या करेंगे, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इनके अंदर अपना जो फॉर्मेशन है वो करते हैं कि भी स्प्लिट हुआ लोअर एनर्जी वाला हायर एनर्जी वाला। तो अब क्या होगा कि जैसे ही इनमें इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो लिगेंड क्या करता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी निर्धारित करता है कि यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने ही कक्षों में वापस हो जाता है, मतलब जो लोअर एनर्जी वाले हैं। अगर यहाँ पर वीक लिगेंड है तो जनरली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाता है, मतलब उच्च ऊर्जा कक्षों में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। जिसमें साथ में क्या बताया गया है कि इनके द्वारा जो स्ट्रक्चर के अंदर लॉब्स बनाई जाएंगी, ये लॉब्स भी क्या होंगी आपके, इस तरह से व्यवस्थित होंगी कि लिगेंड उनकी तरफ आकर्षित हो, लिगेंड उनकी तरफ निर्देशित हो। तो क्या बताया गया है कि जो लिगेंड है वो सभी कक्षकों के लिए आपके कहें कि प्रति आकर्षित ना होकर, क्या बताया गया है, सभी के लिए प्रतिकर्षित नहीं हो पाता, मतलब पर्टिकुलर सबके लिए आकर्षण का आपका काम करता है आपके जो लिगेंड है, जिसको अपन ने अभी नेगेटिव पॉइंट के रूप में कहा। साथ में क्या बताया गया है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स हो उसमें जो लिगेंड है यदि वो सेंट्रल एटम के साथ अगर निकटतम दूरी पर है तो उसके द्वारा आप पे आकर्षण क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ये इसकी तरफ ज़्यादा आएगा, लिगेंड इसकी तरफ ज़्यादा। अगर ये जो लिगेंड है अधिकतम दूरी पर हो तो क्या बताया गया है, इनके अंदर आकर्षण भी उतनी ही मात्रा में कम हो जाता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है उसमें जो ये आपके ऑर्बिटल्स थे ये पहले की तुलना में ये क्या हो जाते हैं, आपके डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, कि ये पहले जिस स्थिति में थे वापस दोबारा उस स्थिति में नहीं होते हैं, और जिसकी वजह से क्या है कि इनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन आसानी से संपन्न हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल डिपेंड ऑन ज्योमेट्री। तो यहाँ पर देखिए अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या चीज़ बताई गई है कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्री है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, ज्यामिति क्या है, अलग अलग हो, तो उसके लिए जो लिगेंड है वो अलग अलग दूरी पर अगर व्यवस्थित हो, मतलब दूरी क्या हो, कम या ज़्यादा हो, तो उसके लिए जो ज्योमेट्री की जो मान है या ज्योमेट्री जो बनने वाली है वो क्या होती है, यहाँ पर बदल जाती है, आपके परिवर्तित हो जाती है, जिसकी वजह से क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, जो कॉम्प्लेक्स इसके अंदर बनने वाला है उसमें भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो क्या बताया गया है कि डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो स्प्लिटिंग होगी वो भी डिपेंड करती है कि इनके अंदर किस तरह की ज्योमेट्री है वो फॉर्म होगी, किस तरह से ज्योमेट्री इनमें बनेगी। तो आपके जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से रिलेटेड जो ज्योमेट्री के बारे में था अपन ने आज उसके बारे में पढ़ा, जिसमें अपन ने चार तरह की इसमें जो एप्लीकेशन कह दें या जो टाइप्स कह दें इसमें पढ़ें, कि यहाँ पर जो फर्स्ट चीज़ अपने को क्या देखनी होगी
कि यहाँ पर ओरिजिन ऑफ मेटल आयन किस तरह से होगा, कि भी जो मेटल आयन है उसके लिए कोई ना कोई ओरिजिन पॉइंट होता है जिसके लिए लिगेंड आपको निर्देशित करता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्री लिगेंड, तो अपने ने अभी देखा कि भी ज्योमेट्री है उसको लिगेंड है अलग अलग तरीके से व्यवस्थित करता है, कि कभी वो स्ट्रोंग है तो वो युग्मन करेगा इलेक्ट्रॉन का तो उसकी ज्योमेट्री अलग हो जाएगी, किसी के लिए इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड है वो वीक है तो वहाँ पर जो युग्मन है वो नहीं हो पाएगा, पेयरिंग नहीं होगी, तो वहाँ पर अलग तरह से आपको ज्योमेट्री है वो फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। स्प्लिटिंग की बात की कि भी स्प्लिटिंग है वो इसमें अलग अलग तरीके से होती है, लोअर एनर्जी वाले अलग बनते हैं, हायर एनर्जी वाले अलग बनते हैं लिगेंड की वजह से, इनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अलग से देखने को मिलता है। और लास्ट वाला जो डिपेंडेंट की भी ज्योमेट्री है वो सबके लिए अलग अलग होती है, अगर स्प्लिटिंग है अगर अलग अलग हो तो ज्योमेट्री भी उसके अंदर अलग अलग देखने को मिलती है, और इसके आधार पर इसमें जो लिगेंड का द्वारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया जाएगा वो भी इसमें अलग अलग हो। तो होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो बनाते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।